ਇੱਕ ਕੁੜੀ ਜਿਹਦਾ ਨਾਂ ਮੁਹੱਬਤ, ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ ਗੁੰਮ ਹੈ। ਇੱਕ ਤਰਫ ਅਪਣੀ तो दूसरी तरफ जूही, साध मुरादी। एक तरफ नील का आज तो दूसरी तरफ बीता हुआ कल। एक तरफ उम्मीदें तो दूसरी तरफ सिर्फ और सिर्फ बेबसी। सीरियल नामकरण में अपना रंग रूप बदलकर अवनी फाइनली पहुंच चुकी हैं गुरु माँ के रंग महल में, और पहली बार अवनी और जूही आमने सामने हैं। मुझे कहीं ना कहीं समझ आ रहा है कि जूही के साथ क्या हो रहा है और क्या स्टोरी रही होगी। वो यहाँ इस तरह से फंसी हुई है, जो कि अपनी मर्जी से तो बिल्कुल नहीं है। और मैं ये भी ढूंढने आई हूँ कि अली कहाँ है, तो बस समझने की कोशिश कर रही हूँ, इस मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रही हूँ। जी हाँ, जूही की हालत देखकर खुद अवनी का दिल भी रो रहा है, लेकिन अवनी फिलहाल जूही के लिए कुछ नहीं कर पा रही है। हाँ, जाते जाते उसे गणपति की ये मूर्ति जरूर दे रही है। वैसे जूही को यहाँ तक पहुँचाने में काफी मशक्कत करनी पड़ी। वो इस रंग महल में घुसी तो छुप कर थी, लेकिन पकड़ी गई। अवनी का दिमाग कंप्यूटर से भी ज्यादा तेज चलता है, और उसने गुरु माँ के सामने बनाया मिट्टी लेकर आने का बहाना। जी हाँ, आज तो मैं बच गई हूँ। मैंने अपना बहाना मार लिया है कि मैं तो मिट्टी लेने आई थी, और आई होप आगे भी बच जाऊं। जी हाँ, देवी की पूजा के लिए रंग महल से मिट्टी उठाने की परंपरा होती है, और इसी का बहाना कर अवनी बाल बाल बची। लेकिन अवनी बच तो गई, लेकिन गुरु माँ की पैनी नजरों से इन्हें कौन बचाएगा? शिकार तो बहुत है, और बड़ी बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए सब कुछ आपको नहीं बता सकती मैं। इसके लिए आपको देखना पड़ेगा। वैसे अवनी की जासूसी जूही को बचा पाती है या नहीं, ये तो बाद में पता चलेगा। फिलहाल गुरु माँ का ये भारी भरकम गेटअप देख लीजिए। है तो बंगाली तरीके से साड़ी पहनी गई है, बिकॉज कैरेक्टर बंगाली दिखाई गई है। मैं बांग्ला शब्द भी कुछ यूज़ करती हूँ, लेकिन इस वक्त मैंने महाराष्ट्रियन साड़ी पहनी है, बट आगे से मैं बंगाली साड़ियाँ भी पहन रही होंगी। और सबसे इंटरेस्टिंग है, मैंने कभी इतनी ज्वेलरी वूलरी पहने, मैं भागती हूँ ज्वेलरी से बहुत, लेकिन इस कैरेक्टर की रिक्वायरमेंट है कि ये बिल्कुल बिडेक्ट रहे। सो इट्स वेरी इंटरेस्टिंग, और आई एम सो ग्लैड कि लोगों को पसंद आ रहा है। ये रेड लाइट की तरह, सिग्नल की तरह ही है कि स्टॉप थाम्बा। बंगाली में बड़ी बिंदी लगाई जाती है, पूरी मांग यहाँ तक भरी जाती है, तो लोगों का ये मैं जब कहीं बाहर जाती हूँ तो मुझे लोग दूर से बोलते हैं दुग्गा दुग्गा, तो बड़ा मज़ा आता है। तो भाई चलिए देखना ये दिलचस्प होगा कि शह और मात के खेल में बाजी कौन मारता है। अब तुम यहाँ क्या कर रही हो? अभी क्या छुपा रही हो तुम मुझसे? बोलो अवनी, किस लिए आई हो तुम यहाँ? जूही, मुंबई। शुक्रिया।